अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रेहान। अच्छा, बहुत सारे लोगों को माय पाई का एगग आ रहा है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के एगग आ गए, तो ये वीडियो मैंने बनाई है एगग रिजॉल्व करने के लिए। एक तो सबसे पहले जो एगग आ रहा है, लेट्स से हमने एक फाइल बनाई है टेस्ट डॉट पी वाई, और हमारी एक्सटेंशन जो है माय पाई, ये मेटल गोवक वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वाली नहीं करनी। मेटल गोवक वाली एक्सटेंशन मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे देखें तो अभी मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल है, लेकिन ये काम नहीं कर रही, एरर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई नेम के नेम से, और इसको मैं एस टी आर टाइप स्ट्रिंग देता हूँ, और इसमें मैं कोई स्ट्रिंग, लेट से मैंने अपना नाम लिखा है। अब यहाँ पे देखें, ये एगर आ गया, एगर रनिंग माई पाई इन ई पाइथन पाइथन अंडर स्कोर टेस्ट, प्रॉबेबली माई पाई इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन द एक्टिव इंटरप्रेटर। अब प्रॉब्लम क्या है? देखें, आपने एक रिक्वायरमेंट की फाइल बनाई थी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, जिसमें आपने जो आपके पैकेजेस थे, जो लाइब्रेरीज थी, वो उसमें आपने लिखी थी। अब माय पाई जो है आपने कॉन्डा पे इंस्टॉल की थी इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ पे देखें, ये बेस इन्वायरमेंट है, आपने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया था पाइथन 12 से। अगर हम उस इन्वायरमेंट में जाएं, कॉन्डा एक्टिवेट पाइथन 12, मैंने पाइथन 12 के नेम से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, मैं उसमें शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ पे देखें, पाइथन 12 आ गया। अब जो मैंने अपनी माय पाई की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी कोंडा के थ्रू, वो मैंने अपने इस एनवायरनमेंट में की थी पाइथन 12 में। आपको मैं दिखा देता हूँ, पिप इंस्टॉल माय पाई, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे बताएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो माय पाई की आपने जिस एनवायरनमेंट में इस माय पाई को इंस्टॉल किया है, आपने इस एरर को रिमूव करने के लिए मेक श्योर करना है कि आप उसी एनवायरनमेंट में हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, मेगा इंटरप्रेटर यहाँ पे 3.12.0.64 बिट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अपने अगर पाइथन 12 के, यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें सिलेक्ट इंटरप्रेटर, मैंने पाइथन 3.12.0 और एनवायरनमेंट जो मेरा है पाइथन 12, मुझे ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो माय पाई है मैंने वो पाइथन 12 के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल की थी। तो मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा, और आप देखें कि माय पाई की एक्सटेंशन भी मुझे प्रॉपरली एरर शो करवाएगी। अब मैं स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे कोई इंटीजर अगर एंटर करता हूँ, तो होपफुली मुझे एरर आना चाहिए, यहाँ पे एरर आ गया है, इनकम्पेटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट। ओके, ये तो एक एक हो गया जो एरर है, नॉर्मली ये एरर आ गया था इंटरप्रेटर का। दूसरा एक एरर आ गया है, मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ, वो बल्कि एरर दिखाता हूँ पहले, वो किस किस्म का एरर है। एक्सटेंशन सेटिंग, और यहाँ पे अनचेक करता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये एरर आ गया है, द माय पाई डेमन एग्जीक्यूटेबल डी एम पे वाई वॉज नॉट फाउंड। डिटेल्स में अगर जाते हैं, तो ये वाला एरर आ गया है। इस एरर को आपने कैसे रिजॉल्व करना है? आपने मेटन गोवर की जो आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, उसकी यहाँ पे देखें एक गियर आइकन है, गियर आइकन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन सेटिंग्स में आएंगे, और इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है, रन यूजिंग एक्टिव इंटरप्रेटर। अगर मैं इसको इनेबल नहीं करता, तो वापस मैं आता हूँ, देखें मेरे पास यहाँ एरर नहीं आ रहा, मुझे माय पाई की तरफ से टाइप का एरर नहीं आ रहा, बट मुझे यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है, माय पाई एक्सटेंशन मेरी काम नहीं करी सही से। तो जब मैं इसको इनेबल करूँगा, रन यूजिंग एक्टिव इंटरप्रेटर, मैं इसको इनेबल करता हूँ, अब देखें मेरे पास ये एरर आ गया। तो होपफुली गाइज, ये दो एरर तो रिजॉल्व हो गया, अगर कोई इसके अलावा कोई एरर है तो वो ज़रूर बताइएगा, और उसको भी देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।